बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी रेडी होने वाले नगेट्स बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने चिकन मिंस ले लिया है 300 ग्राम्स, यानी कि मुर्गी का कीमा 300 ग्राम। यहाँ पर मैंने कॉर्न फ्लावर ले लिया 2 टेबल स्पून, यानी कि जो मकई का आटा होता है 2 खाने के चम्मच। मैं ये कॉर्न मील यूज़ कर रही हूँ, बट यू कैन यूज़ कॉर्न फ्लावर नॉर्मल वन एज वेल। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून ले लिया, यानी कि नमक 1 चाय की चम्मची, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय की चम्मची, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून यानी कि जो लहसुन का पाउडर होता है 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चाय का चम्मच। तो चलिए आइए इसको जल्दी से रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर कीमे में ये सब चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ ताकि जो ये थोड़ा सा जो चिपक रहा है हाथों पर, ये चिपकना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये ट्रे ले ली है, इसको इसके ऊपर सेट कर लेंगे। इसको मैं 1 to 2 आवर्स के लिए फ्रीजर में रख दूँगी और जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो इसको फिर कट कर लेंगे। फ्रीजर से निकालने के बाद इसका बटर पेपर रिमूव कर लेंगे और मेरे पास ये 2 शेप्स हैं, आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैं ऐसे ही इसको कट कर लूँगी। ये देखें, ऐसे मैं इसको शेप में कट कर लूँगी, डिफरेंट शेप्स में, और फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको डिफरेंट शेप में कट कर लिया है और मैंने एक ऐसा भी बना दिया है, आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ये जो मैंने एग बीट कर लिया था एक, इसमें डिप करूँगी और फिर यहाँ पर मैंने ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, यानी कि जो जब डबल रोटी का चूरा होता है, सूखे हाथों से मैं इसको ये कोट कर लूंगी। ये देखिए, ये ऐसे शेप आ जाएगी। मैं इसी तरह सब कर लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर एग और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब इस टाइम पे हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बैग ले लूँगी एक, इसमें से कुछ मैं फ्रीज कर लूँगी और कुछ फ्राई कर लूँगी अभी। तो इस पर डेट लिखूँगी अभी आज की। और ये जो नगेट्स हैं इसको इसमें डालकर इसको फ्रीज कर लूँगी। 300 ग्राम्स चिकन में मैंने ऐसे मीडियम साइज के 30 नगेट्स रेडी किए हैं और ये देखें, ये फ्रीज करने के लिए रेडी हैं और इसको आप 1 मंथ तक फ्रीज कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं निकाल कर। और बाकी ये जो मैं है हाफ, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया और आग मैंने मीडियम पर रखी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे क्योंकि इस तरह ये जो कीमा भी कच्चा है इसके अंदर, तो अगर हम आग तेज़ करेंगे तो ऊपर से जल्दी से हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसीलिए मीडियम पर आग रखेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हुए हैं। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार नगेट्स रेडी हैं। ये देखिए अंदर से कितने ही मज़ेदार बने हैं। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मुस्तदरक हाकिम से ली गई है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।